अस्सलाम वालेकुम, कुकिंग विद महरीन में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भाई आज तो बर्थडे का व्लॉग है और मैंने स्टार्टिंग से ही आपको सफ़र दिखाना शुरू कर दिया है। तो भाई उसका रीज़न ये है कि आज है मेरी भांजी और भतीजी की बर्थडे। तो अभी दोबारा से आप देखे कन्फ्यूज़ हो गए कि भांजी है या भतीजी है। तो भाई उम्मे हानिया मेरी भांजी भी है और भतीजी भी, क्योंकि इनकी जो मामा है वो है मेरी सबसे बड़ी खाला की बेटी और जो इनके बाबा हैं वो है मेरे सबसे बड़े मामू के बेटे। तो मतलब कि इनकी मामा बाबा दोनों मेरे कज़न्स हैं। तो आज उम्मे हानिया की बर्थडे थी तो मैंने कहा कि मैं अपनी डॉल के लिए अपने हाथों से एक केक बनाऊंगी। तो आज बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है और बहुत ही इन्जॉय करने वाले हैं और बहुत ही ज़बरदस्त बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं हम लोग। तो देखें भाई, सारे करे कराए पे पानी फिर गया। और जब मैं घर आई हूँ तो मैंने सुना, मेरे हस्बैंड ने बताया कि भाई आज हमारे घर पे आने वाले हैं कुछ गेस्ट और मैं बर्थडे में नहीं जा रही। तो भाई मेरा तो इतना मूड ख़राब हुआ ना कि मैं क्या बताऊँ। लेकिन चलें, कोई बात नहीं, होता है कभी कभार, घर की जिम्मेदारियाँ ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो बस मैं गैलरी से खड़े होकर दूसरों की सेलिब्रेशन देख रही हूँ, क्योंकि हमारे घर के बाहर ही किसी की आज शादी के लिए टेंट लग रहा था। और एक होता है ना कि घर में अगर आपकी फैमिली में कहीं सेलिब्रेशन हो रही हो और सब इन्जॉय कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा उदासी, डिप्रेशन आ जाता है। तो यही सिचुएशन मेरे साथ थी। और सबसे बड़ा रीज़न ये था कि आज आने वाली थी शमाना आंटी और मुझे उनसे मिलने की इतनी एक्साइटमेंट थी और मैं उनसे नहीं मिल पाई भाई। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ। और चलें कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ज़रूर जल्दी मिलेंगे। तो चले आए, चलते हैं। सबसे पहले हम करते हैं केक कटिंग। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you। और सब मिलके अंबर से इतना ज़्यादा खुश हुए क्योंकि अंबर की इतनी प्यारी नेचर है कि वो जिस किसी से भी मिलती है ना उसे अपना दीवाना बना लेती हैं। तो बस सब बहुत ज़्यादा खुश हुए। और माशाल्लाह से आप ये देखें कि गुड़िया के जो दोनों बेटे हैं जहांगीर और इबाद, वो माशाल्लाह से इतने ज़्यादा टैलेंटेड हैं कि स्टेज पे समझ लें एक तरीके से आग लगा दी उन्होंने। और इतना ज़बरदस्त उन्होंने एंजॉय किया और सबको एंजॉय करवाया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मुझे तो, मैं घर पर बैठी हुई थी लेकिन फिर भी मैं इतना इंजॉय कर रही थी। दरअसल घर पे मैं बैठ के जो है ना ये सारी वीडियोस देख रही थी। मैं लाइव चैट में थी अपनी कभी कज़न्स के साथ, कभी अपनी आंटी के साथ। तो इस तरह मैं समझे वहाँ पर ही मौजूद थी। और ये है हमारी प्यारी सी प्रिंसेस डॉल। और भाई मुझे तो इतना ज़्यादा दिल चाह रहा था ना जाने का। और पता है सबसे ज़्यादा मुझे गुस्सा कब आया कि हमारे जो गेस्ट थे वो 11 बजे चले गए और फिर जो है रज़ा ने कहा कि अब मैं बहुत थक गया हूँ तो अब नहीं जा सकते और वैसे भी अब तो फंक्शन ख़त्म होने वाला होगा। और मुझे पता चला कि भाई फंक्शन तो रात के 4 बजे तक चला है। तो मुझे बहुत दुख हुआ कि अल्लाह मैं चली ही जाती, चलो लेट ही जाती लेकिन चली जाती। और जबकि मेरे जो कज़न हैं जिनकी बेटी की बर्थडे थी आसिफ, तो उन्होंने मुझे यहाँ तक कह दिया था कि चलो आप ऐसा करो कि गेस्ट जो आपके घर पे आए हैं उनके पास आपको तो बैठना नहीं है क्योंकि वो रज़ा के फ्रेंड्स हैं। तो ऐसा करो आप खाना वगैरह तैयार करके और फिर रेडी हो जाओ, मैं ड्राइवर भेज देता हूँ और फिर तुम आ जाना। लेकिन बस मेरे पत्नी, मेरे दिमाग में क्या आया, मैंने कहा नहीं नहीं रहने दो रहने दो, बस मैं बाद में देखूँगी अगर रज़ा लेके आए। अल्लाह चली जाती, क्योंकि एक होता है ना कि जब सब आप, मैं अकेली जब सारे काम ख़त्म हो गए उसके बाद मैं रूम में बैठी हुई, कभी किसी को कॉल मिला रही, कभी किसी को कॉल मिला रही कि अच्छा अब क्या हो रहा है, अब बताओ अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है। तो इतना ज़्यादा, और मुझे इतनी ही खुशी हुई कि मैंने जिस किसी से भी बात करी ना सब मुझे ये कह रहे थे कि अंबर आपका पूछ रही थी, शबाना आंटी आपका पूछ रही थी। मुझे इतनी खुशी हुई कि अंबर और शबाना आंटी ने मुझे याद किया। और फिर अंबर ने जो है स्पेशल मुझे केक के लिए मैसेज भी किया कि इतना उनको केक भी बहुत अच्छा लगा। तो अंबर थैंक यू सो मच। और बस मैं क्या बताऊं कि जो भी कोई आंटी से या इनकी फैमिली से मिलता है ना, उन समझ लें वो उनको पसंद करने पे मजबूर हो जाता है। अगर वो उनको पसंद ना भी करे शुरू से तो वो बाद में उनके लिए मजबूर हो जाता है कि वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद करें। और मुझे, मेरी जितनी भी कज़न्स वगैरह थी जो उनसे फ़र्स्ट टाइम मिली थी,
तो उन सब ने भी यही कहा कि माशाल्लाह बहुत ही नाइस नेचर है अंबर की, और बहुत ही माशाल्लाह से स्वीट हैं, इतनी हंसमुख हैं, इतनी ज़्यादा अच्छी तरह मिली और हमें बहुत अच्छा लगा। और बर्थडे में तो भाई आपको नज़र ही आ रहा है कि कितना ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं सब मेरे बगैर, मुझे किसी ने याद भी नहीं किया। नहीं नहीं यार, ऐसी बात नहीं है, मुझे याद बहुत किया गया, सब ने याद किया। और यहाँ तक कि बाद में बर्थडे ख़त्म होने के बाद दूसरे दिन जो मुझे डांट पड़ी सब की तरफ से कि तुम क्यों नहीं आई, तो उसके लिए सॉरी सॉरी सॉरी। मैं बहुत उदास तो थी, लेकिन ये सारी वीडियोस देख के और आप लोगों के साथ शेयर करके बहुत खुश हो गई हूँ। अगर आप लोगों को भी मज़ा आया हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।